हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरव और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ जोन का लेवल 6 स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस का रिजल्ट पैनल जारी किया जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल में अनफिट करार कर दिया गया है रेलवे के हॉस्पिटल के द्वारा। तो उनके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत उसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से मेडिकल अपील कर सकते हैं रीमेडिकल के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, उसमें प्रोसीजर के बारे में बताया गया और मैं आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जो कि अभी अभी हाल ही में जारी किया गया है। 9 तारीख को ही, आज की डेट में ही जारी किया गया है। मैं उसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं और उसमें बता देता हूं आपको कैसे उसको मेडिकल को रीमेडिकल के लिए अप्लाई आपको करना है। देखिए दोस्तों, ये खोल रखा है मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आज ही की डेट में 9/11/2022 को जारी किया गया है। नोटिस है दोस्तों, आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्टेशन मास्टर, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़। ये डेट दे रखी है, विच वॉज फॉलोड बाय ए मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल अंबाला कैंट एंड दिल्ली। हाउएवर, एज पर द मेडिकल रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल, फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन फाउंड फिट इन द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी बाय द 3 मेडिकल कमेटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल 30 कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने बताया कि किस में आप फेल हुए और आप किसके लिए फिट हो। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, पहला है सुनील सैनी, जो कि डेट ऑफ बर्थ उनकी 96 है, बता रखा है अनफिट इन A2, A3, B1, फिट फॉर B2 एंड B2, ठीक है। ऐसे ही सभी 30 कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूँ, आप जो प्रोसीजर है अपील करने का वो क्या है, इन्होंने प्रोसीजर के बारे में बताया है। इफ़ एनी कैंडिडेट वांट्स टू अपील अगेंस्ट द मेडिकल डिसीजन ऑफ द मेडिकल कमेटी, ही शी शुड सबमिट हिज अपील टू द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर टू द कंसर्न रेलवे विद इन द पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर विद ड्यू जस्टिफिकेशन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 9 तारीख को ये लेटर निकला है, तो 9/11 को निकला, तो 8 दिसंबर को तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक यहाँ पे इनको आपको एक लेटर लिखना होगा। लेटर लिख के दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ आपको जाना होगा, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। और देखिए दोस्तों, ये मैं जो पूरी डिटेल है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, इसको ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है नॉर्दर्न रेलवे के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, और एक एप्लीकेशन लिख करके और एक प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर पे जा करके, जिस भी कैटेगरी के लिए आप फेल हुए हैं उसके अगेंस्ट जा करके आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा, और अगर आप उसमें फिट है तो उससे एक जो आपको परफॉर्मा बना के देंगे। मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ, जिस परफॉर्मा में आपको लेके जाना है, ये लेके जाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर डॉक्टर लिखेगा, परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑप्टेन फ्रॉम स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट फॉर अपील टू PCMD अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमेटी। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर लिखेगा, आई हैव चेक टू श्री द नेम सन ऑफ एड्रेस दिस बियर्स द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे। यहाँ पे लिखेगा दोस्तों, जो भी आपकी आई साइट है या फिर जो भी आप जिसमें भी फेल हुए हैं वो उसके प्रेस्क्राइब में आपको लिख के देगा। लिखने के बाद दोस्तों, इस लेटर को लेकर के और 1000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के आपको कहाँ जाना है दोस्तों, एक ये लेटर, ये जो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करके उसके साथ अटैच कर करके आपको वहाँ पे जा करके उसको दे देना है, ठीक है। कहाँ पे देना है दोस्तों, ये आपको देना है RRB चंडीगढ़ बोर्ड, जहाँ पर आपका मेडिकल हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जहाँ पे आपका मेडिकल हुआ था 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके लेके जाइएगा और वहाँ पे उसको सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके घर पे लेटर आ जाएगा या फिर बाय ईमेल या फिर बाय फ़ोन आपको बताया जाएगा कि किस दिन आपका मेडिकल होना है री मेडिकल, ठीक है दोस्तों। और वो आपके पास लास्ट चांस होगा, अगर आप अगेन उस री मेडिकल में भी अनफिट पाए जाते हैं तो आपको जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आपको कोई भी दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके जिस भी कैटेगरी में आप फेल हुए हैं उसके अगेंस्ट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप को चेक दोबारा से करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो था स्टेशन मास्टर का। एक और लेटर है, एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो कि कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इन शॉर्ट, ताकि आप समझ जाएँ। देखिए दोस्तों, एकदम सेम ही नोटिस है, आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कमर्शियल अप्रेंटिस ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स ये अपीयर हुए थे। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट का नाम है जो कि अनफिट पाए गए हैं, जिसमें नाम है एक गोविंद नाथ सिद्ध, विक्रांत गिरी और एक सुमित, ठीक है। ये 3 कैंडिडेट हैं दोस्तों जिनको अनफिट पाया गया है, ये दोबारा से अपनी अपील कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले अपने नोटिस में पूरा को पूरा आपके साथ डिस्कस किया है।
₹1,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके, जिस कैटेगरी में आप फेल हुए हैं किसी प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जा करके, आप अपना उसका परफॉर्मा एक दिया गया उसमें बनवा करके आप एप्लीकेशन लिख करके उसको सबमिट कर दीजिएगा RRB चंडीगढ़ बोर्ड में, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। फिर आपका अगेन मेडिकल जो लिया जाएगा दोस्तों, अगर आपका पहले अंबाला में हुआ था तो आप दिल्ली में होगा, और अगर पहले आपका दिल्ली में हुआ था तो आपका अंबाला कैंट में होगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का फुल नोटिफिकेशन और पूरी जानकारी मेडिकल के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी हमें अपडेट मिलती रहेगी वो हम आपके साथ समय समय पर शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा पाथमेकर यूट्यूब चैनल के साथ, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।